तो डॉक्टर इरशाद मक्कू भाई, फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर अंजुमन इस्लाम्स नेहरू आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स डिग्री कॉलेज हुबली कर्नाटका में काम कर रहा हूँ। आज आपके सामने लाया हूँ 1600 मीटर, जो मैंने एक और वीडियो 1600 के बारे में भेजा था। आज आपके सामने एक ट्रैक दिखा रहा हूँ, ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं 400 मीटर ट्रैक है। ये पूरा देख रहे हैं आप 400 मीटर ट्रैक है, जिसमें 8 लेंस रहते हैं, नीचे दिखा ऐसे 8 रहते हैं। तो आपको जो आपको 1600 मीटर के लिए स्टार्ट कैसे दिया जाएगा, यहाँ पे जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व पे आपको ठहरा करेंगे, यहाँ तक, यहाँ से आपको स्टार्ट दिया जाएगा। स्टार्ट कैसा करेंगे, सबको लाइन अप कराया जाएगा, चेक करने के बाद जब ऑन योर मार्क कहेंगे, जब आप यहाँ पे इस लाइन के पीछे आप खड़े हो जाएंगे। मैंने बोल दिया ये जो होगा आपके वार्मिंग अप के बाद होगा। मैंने बोला था आपको टी शर्ट शॉर्ट स्टॉप वॉच शू एंड सॉक्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स। जब आप यहाँ खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक गन फायर मिलेगा, विशिल मिल सकता है, कैप मिल सकता है, वो पहले बोल देंगे क्या चीज से स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट जब होगा, मैंने पहले भी बोल दिया था आपको, स्टार्ट होते ही आपको थोड़ी थोड़ी देर जोर से भागना है, एक कर्व तक जोर से भागना है, ताकि आप ए इनर लेन, इसको फर्स्ट लेन कहते हैं, इनर लेन कहते हैं, उसको बाहर वाले को आउटर लेन कहते हैं। तो इनर लेन से जब आप भागेंगे तो डिस्टेंस आपका कम रहेगा, जितने दूर लेन से आप भागेंगे डिस्टेंस उतना बढ़ेगा। जब आपका नंबर यहाँ पे आ गया, जब आप बोलेंगे विचल होगा, तो आप स्टार्ट फास्ट करोगे, फास्ट करके पहले इनर लेन में चले जाओगे, वहां से आपका नॉर्मल स्पीड चालू हो जाएगा। ठीक है, मैं पीछे जाएगा, ऑन एयर मार्क कहेगा, जब स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट होते ही आप जोर से भागेंगे, उसके बाद अंदर घुस जाएंगे। आपने देखा मेरा नंबर यहाँ पे था, मैंने आगे थोड़ी देर भागा, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ रहती है, आपको कोई भी एंट्री फर्स्ट लेन में नहीं देंगे, तो आपको लेना पड़ता है, तो जोर से भाग के पहले लेन में लीजिए, वही स्पीड कंटिन्यू कीजिए। आपको यहाँ से 4 राउंड मारना है, 4 राउंड यहाँ से शुरू होगा, यही पे खत्म होगा, जब आप पूरा जाके इसको कंप्लीट करके यहाँ पे आएंगे एक लाइन, तो यहाँ पे ऑफिसर रहेंगे, वो बोलेंगे 3 मोर लैप्स या 3 मोर राउंड रिमेनिंग, ऐसा आपको इंडिकेशन दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको ये कंप्लीट करना है। रुका, जब आप भागते रहेंगे आपको ये याद रहे कि भाई आपका जो बॉडी जो ये है वो 30 डिग्री में थोड़ा बेंड हो जाए, आप सीधा खड़े होके मत भागिए। नंबर 2, जैसे मैंने बताया आपके आर्म स्विंग होना है, जब स्विंग होगा आप आगे जाएंगे, और थोड़े वाइड ताकि कोई भी आपको ढकल ना जाए। और तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, आप दांत चबा के ऐसा भागो मत ताकि कोई डर के आपसे भाग ना जाए, आप रिलैक्स होके जाइए, रिस्पिरेटरी जाते रहिए, इन्हें इनटेक आउटटेक जाते रहना, और बाद में एक हैंडकरचीफ मुंह में डाल को भागते हैं जरे लोग, वो भी करो नको। जितना रिलैक्स से आप भागोगे उतना इजी से आप करोगे। मैं बुढ़ा आदमी, नियरली 50 ईयर्स होने आ गया, मैं आराम से मार सकता हूँ जो टाइम दिया गया है, मेरे से ज्यादा आप अच्छा भागोगे मुझे उम्मीद है, और मुझे आप गलत नहीं साबित करोगे, ये आप पे मैं विश्वास है। तो मैं क्या बता रहा था कि भाई जब आप भागोगे ओवरलैप, जिसको अगर सोचो कि आप यहाँ से भाग रहे हैं, किसी को पीछे मारने का रहा, किसी को साइड मारने का रहा, तो सीधे तरफ से साइड लोगे। अब यहाँ पे एक बंदा जा रहा है दाएं तरफ, तो उसे पीछे मारने का रहा, तो मैं सीधे बाजू से राइट साइड से ओवरटेक करोगे, लेफ्ट साइड से जाना नहीं है। और इनर लेन के आगे भागे तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं आप लोग, ये भी एक आपके दिमाग में रहे। रुका, जब आप करोगे, फर्स्ट राउंड हमने बोला यहाँ पे होगा, सेकेंड राउंड यहीं पे कंप्लीट होगा, थर्ड कंप्लीट होगा, फोर्थ राउंड वेरी एसेंशियल, जब यहाँ से आप लोग लास्ट बेल मारेगा या विशिल मारेंगे, लास्ट राउंड करके इंडिकेशन होगा, तो जहाँ से आप लोग यहाँ पे भागोगे 100 मीटर की दौड़, वो कर्व तक आएगी, आपको मेंटेन करना है। स्टेट जब आएगा आपकी स्पीड आप एक्सीलरेट कर सकते हो, जब कर्व आएगा, कर्व मीन जो आड़ा होगा, कर्व आएगा वहां पे आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब जाओगे वहां पे लास्ट राउंड के लिए 100 मीटर आप दौड़ कंप्लीट करोगे, लास्ट 300 मीटर वो कॉर्नर से पकड़ के ये पूरा 300 मीटर की दौड़ जो है वो आपकी लाइफ की बेस्ट दौड़ होनी चाहिए, आप उसको टॉप पे
दौड़ना चाहिए, आपके पास जितना एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन को पूरा आप उसको इन एक्शन लाना है। लाइफ में आप बेस्ट रेस भागेंगे वो होगी 1600 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितने भी हैं उनको सबको फॉरवर्ड कीजिए। और इससे पहला वार्मिंग अप करना ना भूलिए, वार्मिंग अप से आपके मसल्स पूरे लूजन हो जाएंगे, बोन्स रिलैक्स हो जाएंगे, एक्टिविटी के लिए रेडी हो जाएंगे। उसके बाद इवेंट के बाद भी आप 5-10 मिनट कूल डाउन करना ना भूल दीजिए, जिससे जो बॉडी टेम्परेचर ऊपर गया होता है वो नॉर्मल नसी पे आके आप फिर अच्छा फील करोगे। एंड मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। उम्मीद बहुत जल्दी आप ए टाइमिंग जो है उससे कम भागेंगे, ये मेरी उम्मीद है। जो मैंने डाइट कहा था, जो मेरा शेड्यूल है उसको फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह ताला लजीज कामयाब आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच।